कभी और आएंगे अम्मा जी से मिलने के लिए। अम्मा ठीक से पद बैठिया हाँ। और चाची लोगों ने ना अपने बगीचे में इलायची का पेड़ भी लगा रखा है एक। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा तिवारी और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। अभी आई हूँ मैं घर की छत में क्योंकि बाहर अच्छा खासा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह ही धूप आ गई है और नाश्ता वगैरह भी मैंने बना लिया था सुबह ही, क्योंकि मम्मी जी को ड्यूटी जाना होता है तो नाश्ता टाइम से बन जाता है। और कल शाम ना मंदिर से आके मैंने कपड़े भी धो दिए थे, सोफे के कवर वगैरह धो दिए क्योंकि और दिनों टाइम नहीं मिल पाता। तो कल मम्मी जी का ऑफ था तो मैंने ये सारे काम करे। और अभी नाश्ता बना के मैं छत में आ गई थी तो आज हस्बैंड जी का फास्ट है, वो तो नाश्ता करेंगे नहीं, तो मैं और वंश कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद देखूंगी। घर के बहुत सारे काम हो रहे हैं, खेतों में भी जाना हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं जाने लग गई हूँ खेतों की तरफ, अपने चने के खेत में, और वंश को भी सुला दिया है और मैंने साथ में पानी की बोतल भी ले ली है क्योंकि प्यास भी लगती है खेत में काम करते करते, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और यहाँ पर बैठे हैं चाचा श्री जो धूप सेक रहे हैं। चाचा कोई ग्राहक नहीं आ रहे क्या दुकान में? चाचा बोल रहे ग्राहक नहीं आ रहे तो धूप ही सेक लेता हूँ। और खेत में जाने से पहले मैंने हाथ में दस्ताने भी पहन लिए हैं क्योंकि मिट्टी का काम करके ना हाथ भी फट जाते हैं, तो थोड़ी बहुत अपनी सेफ्टी भी करनी ज़रूरी है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने चने के खेत में। तो ये रहा हमारे चने का खेत और इसमें कोई कोई पौधे भी हो रखे हैं सरसों के, इसके तो पत्ते भी खाए जाते हैं, पत्ते की सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन अभी इसमें फूल आ गया है और जब इसमें बीज आएगा तो वो सब्जी में छौंका लगाने के काम आता है। तो जब ये पक जाएगी सरसों तो इसको भी हम ले जाएंगे अपने खेत से। और हमारे खेत के ही बगल में जो बगल के खेत वालों ने टमाटर लगाए थे उसकी झाड़ी निकाल के रख दी है, तो ये झाड़ी अगले साल के काम आ जाएगी। और वहाँ पर ताई जी लोग का घर रहा है जहाँ से मैं परसों नींबू लेने के लिए आई थी। तो मैं अभी चने के खेत से निकाल लेती हूँ झाड़, क्योंकि झाड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और मौसम बहुत अच्छा हो रखा, तो जितना काम हो जाएगा उतना सही है। तो सबसे पहले मैं झाड़ निकाल लेती हूँ। इतना सारा झाड़ निकाल दिया है, अब मैं इसको फेंकाती हूँ अपने खेत के कोने में क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ी जगह खाली है, तो जब ये घास सूख जाएगी इसमें आग लगा देंगे। और दोस्तों ये है हमारी मींड जो दो खेतों के बीच में बनाई गई है, और यहाँ पर ना चूहे ने बहुत बड़ा उकेर भर रखा है, मतलब इसके अंदर चूहे का बिल है, चूहे इसी के अंदर रहते हैं। और जब हम इस खेत में पानी लगाते हैं ना तो इस बिल के रास्ते ऑटोमेटिकली इस खेत में चले जाता है सारा पानी। तो इतने सारे चूहे हो गए हैं, क्या करें, अब दवाई डालते डालते परेशान हैं। और अभी मैंने खेत में से थोड़ा बहुत झाड़ निकाल दिया है, एक दो घंटा हो गया मुझे खेत में आए हुए। तो कुछ टाइम बाद जब चनों में फल लग जाता है ना, तो पकने से पहले जब ये हरे हरे होते हैं तो इन्हें भूनते भी हैं हम बाहर से आग जला के, और जो दाने होते हैं ना भुने हुए उन्हें खाने में काफ़ी मज़ा आता है, स्वादिष्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। और किसी किसी चने में ना अंदर से कीड़ा भी निकल जाता है, तो वो जले हुए होते हैं तो पता नहीं चलता, कितने तो मुँह में कीड़े भी चले जाते हैं। तो अभी इतना झाड़ मैंने निकाल दिया, लेकिन ना खेत में बहुत ज़्यादा झाड़ हो रखा है तो अकेले निकालने में मुझे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, और एक दो दिन बाद शादी में भी जाना है तो सोचूं पहले ही निपटा जाऊं इस काम को। और अभी वंश भी उठ गया है तो उसके पापा उसको लेके खेत में आ गए हैं घुमाने के लिए, क्योंकि वो घर में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो चने के खेत में ना झाड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है तो एक साथ तो निकलेगा नहीं, और बैठे बैठे पैरों में भी दर्द हो जा रही है। तो थोड़ा आराम करने के लिए मैं रोड की साइड को आ गई हूँ और यहाँ पर हस्बैंड जी और वंश आ रखे हैं। हेलो दगड़ियो, कसचा ठीक ठाक छा? और अभी चनों का झाड़ निकाल के हम भी जाने लग गए हैं घर को, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और वंश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ये 10 बजे सो गया था। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी का आज फास्ट है तो उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो उनके लिए लस्सी बना देती हूँ। और लस्सी ना मैंने बना दी है, एक गिलास भर के हस्बैंड जी के लिए रख दिया है, और दही ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा और बच गया, तो इसको मैं पी लूँगी क्योंकि प्यास लग रही है, वैसे भी खेत से आई हूँ, तो इसको पहले हस्बैंड जी को दे देती हूँ। और दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मम्मी जी भी आ गई हैं ड्यूटी से, तो मम्मी जी को मैंने चाय वगैरह भी दे दी है। तो आज हम जा रहे हैं अपने चाचा जी लोगों के यहाँ, और जो हमारे ये चाचा जी हैं ये हमारे दादाजी के भाई के बेटे हैं, तो बहुत टाइम से वहाँ गए नहीं थे। और घर में वंश ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको भी घुमा लाएंगे और थोड़ा आमा लोगों से भी मिलाएंगे, क्योंकि आमा ना काफ़ी बुजुर्ग हैं, ऊपर को आ नहीं पाती हैं, तो सोचा हम ही उनसे मिलाएँ। और जो चाचा जी लोगों का घर है ना, वो हमारे घर के 10-20 घर नीचे है, जो हमारे घर के आगे से ही RCC गई है,
उसी आरसीसी से नीचे को उनका घर है, तो आज ना बहुत टाइम बाद वहाँ जाना हो रहा तो अच्छा लग रहा। वैसे चाची लोग तो आ जाते हैं ऊपर कोई, और अभी हम चाचा लोगों के घर को पहुँचने वाले ही हैं जहाँ हमें आना है। तो ये रहा हमारे चाचा जी लोगों का घर, ठीक है, और ये रही आमा। आमा नमस्कार, पछाड़ा नहीं पछाड़ा था रेखा मम्मी अरे मेरे को जेवन में यार आ जा रहा टाइम टाइम आ जा रहा दिन बढ़ गई नहीं और दिनों तो माँ पूछा मेहनम तो एकदम अनेर है जो आज का दिन बढ़ गई मका पहचान ना मन, जो मनोज के न्यूने दुल्हन अयो आमा मेरे साथ सी हूँ होय दादी पहचान ना दादी हमको पहचान ना। और मम्मी जी मिल गई है आमा जी से, तो मिलके ना काफी अच्छा लगा। और जो आमा जी है ना हमारी जो दादी जी हैं उनकी देवरानी हैं। और ये रहा चाचा जी लोगों का घर जो रोड के किनारे ही है। हाय, और अभी मैं आ गई हूँ चाची लोगों के घर के पीछे की तरफ को। तो यहाँ पर चाची लोगों ने इतने सारे कपड़े भी धो रखे हैं, और कुछ ऐसा एरिया रहा चाची उनके घर के पीछे का। और यहाँ पर बुआ जी काट रही है सब्जी जो चाचा जी की बहन है। और यहाँ पर बुआ जी काट रही है सब्जी जो चाचा जी की बहन है। तो बुआ प्रणाम, सब्जी काट रहे हो? हाँ। तुम तो हमारे उधर को आई नहीं रहे आप बुआ, मैं तो सोची थी आज जाओगे करके। अब आई थी। हाँ मम्मी भी आ रखी है। अच्छा, मम्मी के साथ आई हूँ। अच्छा, वंशु भी आ रखा है। अच्छा, यहाँ पे चाची जी जंगल से घास भी ला रखी है। इतना बड़ा गट्ठा, मतलब बहुत बड़ा गट्ठा लाए हैं यार। और ये रही चाची लोगों की गौशाला, और यहाँ पर उन्होंने मशीन भी रख रखी है कुट्टी काटने के लिए। बहुत कुट्टी काट दी यार चाची। और ये रही हमारी चाची श्री। चाची प्रणाम, सौभाग्य थी। ठीक हो? बढ़िया। बहुत कुट्टी काट दिया, बापरे कितना घास लाते हो तुम जंगल से। चाची क्या काम करके आ रहे हो? बस भी काट के। और चाची ना बहुत अच्छी है, मतलब इनका व्यवहार अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है, हंसमुख है, हमेशा हंसती रहती है। मतलब हमारी बहू भी तो अच्छी है। हाँ। अभी तो चाची भी अच्छी है। हाँ सही बात है ये। और चाची लोगों ने ना शिवरात्रि के व्रत में, जो कि और शिवरात्रि के व्रत में कद्दू का बहुत महत्व होता है, कहते हैं इसकी सब्जी खाते हैं, तो चाची लोगों ने ना कद्दू भी पहरा रखे हैं शिवरात्रि के व्रत के लिए। एक कद्दू थोड़ा हमको भी देना है चाची। हाँ पक्का। और ये रहा चाची लोगों का गोबर गैस का प्लांट, अभी इसमें थोड़ा गोबर रख दिया है चाची ने, और पानी डालने लग गए हैं। और क्योंकि वैसे वाली, क्योंकि अभी एलपीजी गैस तो बहुत महंगी है, तो चाची लोगों ने ना घर में गोबर गैस भी बना रखा है, क्योंकि गाय बच्चा पालते हैं तो घर का मिलता है गैस, तो वो बचत ही होती है थोड़ी बहुत जितनी भी होती है। और चाची मुझसे कह रही चल पीछे को घूम आएगी खेतों की तरफ, और मैं बहुत टाइम से आई भी नहीं हूँ, तो इनकी खेतों की तरफ को भी घूम आती हूँ। तो चाची श्री जाने लग गई है खेतों की ओर को, आगे आगे। और चाची लोगों ने ना यहाँ पर कुछ लीची के पेड़ भी लगा रखे अपने घर के आगे से। छह बीघे में है। और जो चाची लोगों का बगीचा है ना लीची का, वो छह बीघे में है। और आज पता नहीं चाची जी क्या क्या दिखाने वाली हैं खेतों में अपने। और अभी मम्मी जी और वंशु भी आ गए हैं मेरे तरफ, मेरे पीछे से खेतों को देखने के लिए। और चाची जी ने अपने खेत में ही लौकी का लगुला भी लगा रखा है, तो अभी लौकी तो छोटी छोटी हो रखी है इसमें, और यहाँ पे छोटी छोटी लौकियाँ अभी लगी रही है। तो चाची ना मतलब खेती बाड़ी सब, साग सब्जी गाय भैंस सब कुछ कर रही है। और चाची उन्होंने यहीं पे अपना हौज भी बना रखा है पानी का। तो चाची पानी वगैरह क्यों नहीं भर रखा है इसमें? अब आगे को भरेंगे। अच्छा, और चाची उनके खेत है ना वो आगे तक है, मतलब जंगल के किनारे तक ही खेत है, उसके बाद से जंगल स्टार्ट हो जाता है। चाची लोगों के जो खेत है ना वो जंगल के किनारे ही है, तो यहाँ पे ना इनके खेतों में जंगली जानवरों का भी काफी खतरा है। तो चाची कह रही है अमरूद भी खा गए बल जानवर, मतलब बंदर खा गए बल सारे अमरूद। कोई नहीं चाची, तुम्हारे खाने के लिए तो बचाए जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। और कुछ ऐसा व्यू आ रहा है अभी चाची लोगों के खेत से, जंगल बहुत ना पास में दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा। और शाम का टाइम है तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। और अभी चाची लोगों के खेत को घूम के हम भी जाने लग गए हैं घर को, तो आगे से चाची जी चले गई हैं और पीछे से मैं भी जा रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे भी, क्योंकि हम बैठे नहीं थे, सीधे खेत को आ गए थे, तो थोड़ी देर और गपशप मारेंगे, चाची लोग चाय वगैरह पिलाएंगे, फिर उसके बाद घर जाने का भी टाइम हो जाता है। और चाची उनके घर के आगे से चाची उन्होंने नींबू का पेड़ भी लगा रखा है, कागजी नींबू। तो चाची दो चार नींबू तोड़ी है हमारे लिए, हमारे यहाँ तो कागजी नींबू है नहीं ना इसलिए। और चाची लोगों ने ना अपने बगीचे में इलायची का पेड़ भी लगा रखा है एक,
तो चाची कह रही है हम चाय वगैरह में इलायची इसी में से डालते हैं। अभी तो इसमें आनी रखी है, तो बरसात के टाइम पे इलायची लगती है। और इलायची के पेड़ के बगल में ना रामफल का पेड़ भी है कह रही चाची, तो उसमें रामफल भी आ रखे हैं। बगीचे के ही अंदर पपीते के पेड़ भी लगा रखे हैं चाची लोगों ने, मतलब एक साथ इतना सारा कैसे कर लेते होंगे। और यहाँ पर अमरूद के पेड़ और कुछ केले के पेड़ चाची लोगों ने घर के नीचे की साइड को भी लगा रखे हैं। और ये रही चाची लोगों की गौशाला, तो एक गाय को तो चाची अंदर ले गई हैं और दो गाय अभी यहाँ पर बांधी हैं। और यहाँ पर उनकी खुली बना रखी है उनके घास वगैरह खाने के लिए। और वहाँ पर भूसा भी छोप रखा है क्योंकि अंदर उनकी ना ज़्यादा जगह नहीं है भूसा रखने की, तो चाची बोल रही थी कि हमने ऐसे बाहर से छोप रखा है। और अभी मैं भी बुआ जी लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो अभी मैं घर आ गई हूँ चाची लोगों के घर में। यहाँ पर गुड़िया ला गई है केले हमारे लिए, घर के केले। अच्छा घर के केले हैं? हाँ। अच्छा, और ये घर के केले ना खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं, तो हमें दे रहे हैं ये। ले बुआ पन्नी लाएगी। हाँ पन्नी में ले जाएंगे, वो भी खाएगा। ठीक है अम्मा को दे, गुड़िया अम्मा को दे देते हैं। हमारी दादी को दो बेटा, फिर दे लो इसमें पालो, दे अम्मा को दे। अभी हम चाची लोगों के अंदर बैठ रखे हैं सब लोग, मैं भी यहाँ पे आमा, यहाँ पे मम्मी जी। तो चाची ने मुझे केला छील के दे दिया, वंश को दिया था लेकिन वंश खा नहीं रहा है। और अभी यहाँ पे बुआ जी भी आ गई हैं हमारे साथ गप सप मारने के लिए। ओ बुआ काटे साग हैं। और अभी सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा। और अभी गुड़िया बना के ला गई है चाय हम लोगों के लिए। चाय पियोगे? क्या पियोगे? अम्मा है और यहाँ पर काटने लग गई है गुड़िया सब्जी। काय की सब्जी बना रही गुड़िया? हरी सब्जी। हरी सब्जी बाथराई? हाँ बाथराई। अच्छा दादी, मम्मी। गुड़िया तो टाइम से बनाने गई खाना, और हम भी जाते हैं घर को। तो मम्मी चलो फिर। हाँ अभी हम भी जाते हैं घर को। और यहाँ पर रही हमारी बुआ जी और आमा जी भी बैठी हुई है। चलो वो आमा आया को कभी और आएंगे आमा जी से मिलने के लिए। अम्मा ठीक से पद बैठिया। हाँ ठीक से ठीक से। और आमा लोग हमारे मतलब बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ घर की तरफ को। और आमा जी ना ऊपर को हमारे घर की तरफ को आ नहीं पाती हैं क्योंकि थोड़ी उम्रदार हो गई हैं। तो एक बार बीच में गुड़िया और चाचा जी लेके आए थे आमा को, तब से आज ही मिल रहे हैं आमा से, और मिल के काफी अच्छा लगा। बाय। ठीक है बुआ बाय, चलते हैं शाम को आना। हो ठीक है ठीक है, हम तो घर को जा रहे हैं। बाय, उनसे कह दो बुआ लोगों से बाय 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 कह दो। बुआ टाटा। बुआ बाय बाय कह दे टाटा। और अभी हम चाचा जी लोगों के घर से जाने लगे हैं अपने घर को, क्योंकि शाम का टाइम है और कुछ टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा। तो चाची लोगों ने ना हमें थोड़े केले दे दिए हैं घर के, और थोड़े नींबू भी दिए हैं कागजी नींबू, जिसे हम घर जाके खाएंगे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ को। और ये रही हमारी भाभी श्री। भाभी प्रणाम, ठीक हो? बढ़िया। और जंगल वगैरह नहीं जा रहे हो आजकल? आज तो मैंने देखा नहीं तुम आते हुए। और सब्जी वगैरह काट लिया भाभी? सब्जी बना के आ गई मैं। हैं? टाइम से बना लेते हो यार तुम भी खाना। बना लेती हूं। और भाभी लोग भी मिल गए रास्ते में, और चाची लोगों से मिल के भी ना काफी अच्छा लगा। और अभी कुछ ऐसा नजारा आ रहा है हमारे गांव का, क्योंकि शाम हो गई है ना, तो वीडियो साफ भी नहीं आ रही है, अंधेरा आ रहा है बहुत ज्यादा। और अभी हम भी अपने घर पहुंचने वाले ही हैं, तो रोड से कुछ ऐसा दिखता है हमारा घर और हमारे खेत। तो अभी तो सूरज भी डूब गया है, और कुछ देर बाद रात भी हो जाएगी। और मम्मी जी लोग चले गए हैं आगे से, और चाचा जी लोगों के यहाँ से आके मैंने रात का डिनर भी बना लिया। और अभी खा पी के सब लोग कमरे में बैठे हैं, और मैं इस साइड को आ गई हूँ। और आज ना बहुत अच्छा लगा, चाचा जी लोगों के यहाँ गए थे और थोड़ा गाँव भी घूम लिया। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।